तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग्स। भैंस मैं क्या सोया हूँ, लिटरली क्या सोया हूँ। लास्ट में ब्लॉग में देखा होगा, मैं बोला था मैं लंच करने जा रहा हूँ 4 बजे के आसपास, और एकदम सब लोग जंप हो गया 3 बजे रात को। तो यही हुआ, खाना वाना खा के 5 बजे सोया हूँ। रात को उठा था मिडिल इवन 3 बजे एक बारी, और फिर एकदम से उठाऊ अभी अभी सवेरे 8 बजे। इतना लंबा सोया हूँ, लाइक हो गया 15-16 घंटा के आसपास सो ही गया कम से कम। पर ऐसा नहीं मैं सोया हूँ। ये भी तू कब सोया था रात को? 8:30 ये 8:30 बजे सोया था, और अभी 8 बजे उठा है, तो इसका भी हो गया 12 घंटे की नींद। ऐसे ही रात को मैं डिनर भी नहीं करा उसी वजह से। और क्या हो, क्या वो कुछ बोल रहा है क्या है? कुछ बोल रहा है क्या? ये सब बर्तन बड़े से खाना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। तो किस्मत है कि रात को 3 बजे हमारा नींद खुला था, 3 बजे नींद खुला, बाहर बारिश होना स्टार्ट ही हुआ था जस्ट। हमने कपड़ा सब उठा के, ये रहा सारा कपड़ा नीचे रखा, ऐसा सब सूख गया था, बट अगर नहीं उठा देना रात को तो सारा कपड़ा के अलग जाना था हमारे। सो अच्छा हुआ कि हमने उठा, मतलब मैंने उठा 3 बजे, तो वीडियो वगैरह एडिट करा उस बैठ के, सब अपलोड करा, वापस सो गया। मेरे को टाइम लगा मुश्किल से 15-20 मिनट ये सब करने में, वापस सो गया मैंने। अब भी उठाऊ पता नहीं जरा नींद कहाँ सबसे अंदर जम रखा था, कितना दिन तो अच्छे नींद आया मेरे को। लाइक मिडिल में टाइम मिल रहा था मेरे को, लेकिन मैं मतलब प्रॉब्लम चल रहा था, नींद अच्छे से आ नहीं पा रहा था, सो नहीं पा रहा था ढंग से। सो ढंग से भी सोने का मौका मिला है, मिला था, मिला है ना, मिला था। और भी चिया सीड पीते हैं, ब्रेकफास्ट हम ब्रेस्ट बनाया था अभी, तो ब्रेकफास्ट करेंगे फिर चिया सीड पीते हैं अपना। ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, और आज से मेरा नाइट शिफ्ट भी स्टार्ट हो गया। नाइट शिफ्ट मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, नाइट और आफ्टरनून को ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग खराब लगता है क्योंकि रीजन है मॉर्निंग खराब लगने का, तो नाइट शिफ्ट है तो ऑब्वियसली मजा आएगा। मैं जिम आऊंगा शाम को, मॉर्निंग आराम से रेस्ट करते हैं, रात को जगना पड़ेगा आज से, तो उसके लिए प्रिपरेशन में रखना पड़ेगा, दिन में सोऊं रात को जगूं ऐसा वाला सीन करना पड़ेगा। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं अपना। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मॉर्निंग ज्यादा रेस्ट कर लिया, क्या करूँ, कोई काम था नहीं, कुछ काम था नहीं। और मुझे पता चला बाद में आके हमारा एग्जाम आफ्टरनून में, लाइक टेस्ट एक है ना हमारा इंटरनल सेकंड वाला। सो मुझे बहुत टाइम में पता चला कि मैं हमारा आफ्टरनून में, क्योंकि जब स्टार्टिंग में निकला था टाइम टेबल तो मॉर्निंग का हमारा था। मुझे सर मॉर्निंग का ही होगा क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गया था, मुझे फिर मॉर्निंग होगा। मुझे बहुत टाइम में पता चला कि भैंस के आफ्टरनून में है, आफ्टरनून एग्जाम है 2:30 से 4:30 तक का, मेरा नाइट शिफ्ट है। मैं सोच रहा हूँ आफ्टरनून कर लेता हूँ आज ड्यूटी, सोच रहा हूँ अभी तक ऐसा कुछ प्लान करा नहीं है, बस सोच रहे हैं। फिर वो तो खैर बाद में देखा जाएगा, ब्लू बुक वगैरह किधर रखा वो भी निकालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा कहाँ रखा हूँ। तो अभी तो लंच बन रहा है हम लोग का, मच्छी है, रात को डिनर हमने करा नहीं था, तो वो मच्छी अब ऐसे बोलूंगा कि एक स्टेप आगे आ गया, वो जो उस टाइम खाता वो अभी खाना पड़ेगा, जो भी खाना था वो रात को खाना पड़ेगा। सो मच्छी बन रहा है अभी, चावल बना कर रख दिया साइड में, अभी देखते कब तक बनता है, खा के निकलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं उसके अलावा। तो बनने का वेट करते हैं, और खाना वाना खा के एक बार निकलते हैं हॉस्पिटल, अटेंडेंस देकर फिर एकदम से एग्जाम देने के लिए। सो हमारा ब्लू बुक होगा ऊपर अंदर, वो जो बॉक्स है ना उसके अंदर होगा ब्लू बुक, और अभी निकालना पड़ेगा उसको, परसों उतारेगा ये क्या? हाँ उसके अंदर बुक है ब्लू बुक, जिसमें एग्जाम होता है ना, मैंने उसका अलग से एक नोटबुक बना रखा है पतला सा करके, छोटा सा है, उसी में हमारा छोटा मोटा एग्जाम होता है, तो उसके अंदर रखा था सब ब्लू बुक। हाँ हाँ बॉक्स ये वाला नहीं होता, नहीं होगा, हट जा मैं निकालता हूँ इधर क्योंकि साल में 3 ही बार एग्जाम होता है ना, उसके नीचे क्यों रखा था मैं, ऊपर उठा दे रहा हूँ, रेयरली एग्जाम होता है तो बाद में उतारने आराम से। सो उतारते हैं, मैं तो एक यहाँ से उतार लूंगा उसको, ले अरे ये इतना सारा है, मतलब इसमें से ऑब्वियसली 3 मिनट को लगेगा और 3 पार्टनर को लगेगा, तो मैं सब इकट्ठे रखता ना मैं एक्चुअली सी भी। सो 3 एग्जाम है टोटल, 6 नोटबुक है, हमें ऐसे 9 मिला था शायद, जहां तक मुझे पता है 9, 6 तो 8 मिला था, लपेट दे सबको भाई, इसको साइड रख लिया ताकि ज्यादा टाइम पर दिक्कत ना हो, पता चले जाने अब रेडी हो गया फिर भूल गया उतारने के लिए, तो नहीं हड़बड़ी हड़बड़ी में फिर काम खराब हो जाता है। उतार कर रख लिया अभी ताकि एकदम से निकलते टाइम पर लेके निकल जाऊँ, बाकी मछली ऑलमोस्ट बन ही चुका है और चावल तो पहले बना लिया था, 5 मिनट मुश्किल से और मच्छी में टाइम लगेगा, बाकी ये बनकर रेडी है, फिर खाना वाना खाएंगे रेडी होगा आराम से जाने के लिए ड्यूटी अटेंडेंस देंगे, फिर एकदम से एग्जाम पे। सो जा रहा हूँ लंच करने के लिए, ग्रुप में एक मैसेज करा हमारे बैच की लड़की ने कि नो नीड टू गो फॉर अटेंडेंस, अटेंडेंस देने जाने की जरूरत नहीं है, बट वैन जो मेंशन तो करे किसको जाने की जरूरत नहीं है, मॉर्निंग सीट वाले को आफ्टरनून सीट वाले को। मैंने अभी तक मतलब एक मैसेज करा, कोई रिप्लाई करा नहीं सीट का, लेकिन एक क्वेश्चन बनता था ऑब्वियसली कि किसको जाने की जरूरत नहीं है, लाइक मॉर्निंग वाले को आफ्टरनून वाले को। खैर ये मंदबुद्धि हमारे को बड़े बड़े जा रहे हैं लंच करने के लिए, फिर निकलना पड़ेगा ऑब्वियसली एग्जाम के देने के लिए, फटाफट खाते हो रेडी होते एग्जाम के लिए। सो अभी निकल रहा एग्जाम देने का, ऐसे एग्जाम हम लोग का 2 बजे से है, बट बोला था दो नहीं ऐसे एग्जाम हम लोग का 2:30 बजे से, बट बोला था 2 बजे हॉल के अंदर चाहिए हमारे को। सो जा रहे थोड़ा डिस्क लेके, उतना कुछ खास पढ़े नहीं है क्योंकि सडनली ये सब हुआ है, तो उतना कुछ पढ़ने का मौका मिला नहीं है, बट फिर भी जा रहे क्योंकि एग्जाम है, ऑब्वियसली अटेंड करूंगा, छोड़ दूंगा तो ऑब्वियसली कोई भयानक सीन होगा, एटलीस्ट अटेंड कर रहा हूँ बड़ी बात होगी एक। सो 2:30 से एग्जाम है, 2 बजे से हॉल में घुसना पड़ेगा। सो निकलते यहाँ से अभी, बुक मेरा बुक देख बुक लेते और निकलते फटाफट यहाँ से, मिलते हैं और बोलते एग्जाम में क्या सीन है। अपना नेट शिफ्ट है, मैं सोच रही मैं आफ्टरनून कर लूंगा, बट आफ्टरनून नहीं करूंगा, फालतू रिक्स हो जाएगा मेरे को, सुबह को रिक्स चाहिए नहीं ऑप्शन ऑप्शन का, तो मैं नाइट ही कर लूंगा। सो आते हैं उसके बाद, पहले एग्जाम देने जाते हैं फिर बताते एग्जाम में क्या सीन हुआ आज का।
जैसे तैसे करके एग्जाम खत्म, फटाफट जिम के रेडी होता हूँ मैं, जिम जाता हूँ। अगर मैं जिम से टाइम पे आ गया तो मैं आफ्टरनून कर लूंगा, अगर टाइम पे नहीं है तो बिजली मैं नाइट करूंगा। पहले जिम जाते हैं, देखते कितना टाइम है, देखते क्या टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, क्या सीन है भैंस की आंख। लेट्स गो बॉडी, जिम निकलते एक अच्छा शोल्डर का वर्कआउट करके आते हैं, देखते कितना टाइम लगता है मेरे को जिम का वर्कआउट करने में आज का। अगर जल्दी कर लूंगा तो बस मैं ड्यूटी निकलूंगा आफ्टरनून का, अगर मैं लेट निकलूंगा तो मैं नाइट ही निकलूंगा। सो फिलहाल जाते हैं जिम करते हैं, देखते कितना टाइम लगता है, फिर आगे डिसाइड करते हैं करना क्या है। कुछ जिम टू चौबीस स्कूटी हाँ चल चल। सो आज का शोल्डर वर्कआउट बिना इंजरी के डन, बट फिर अगर आप तक ले करा फटाफट अपना छोटा मोटा डेट लेते अभी, और मैंने कॉल करा था कोई सीन नहीं आफ्टरनून शिफ्ट का, मैं चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, मैं फटाफट फिर खाता हूँ, फिर डिसाइड करते हैं करना क्या, जाना है नहीं जाना, फिर फटाफट खाते हैं, इनफ टाइम रहेगा तो बस निकल जाऊंगा, इनफ टाइम नहीं रहेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। सो विल डिसाइड लेटर, पहले खाना खाते अपन। सो मैं अभी तक नहाया भी नहीं, बस थोड़ा वो डायरेक्ट किया, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, हल्का सा फ्रेश निकल रहा अटेंडेंस देने के लिए, अभी तक सब ओके है, बस जाके देख रहा हूँ सब कुछ ओके मिल जाए तो और अच्छा बात है, ना बस मैं बस नेट कर लूंगा वो तो बाद वाली बात है, फिलहाल निकलते 6:30 हो रहा है अभी। सो जाते हैं बाहर अच्छे से काम करते हैं, हॉस्पिटल वगैरह जो भी सीन है वो निपटाते हैं, अटेंडेंस देते हैं, आएंगे फिर अच्छे से फ्रेश होकर अच्छे से नहाएंगे, बस हल्का हल्का फ्रेश हुआ मैंने, ये भी नहाने जाने वाला था ऐसे, तू जाना लेटी सीट हो, मैं जा रहा हूँ देखता हूँ क्या बनता अभी का, इट्स गो बॉडी अपडेट करता हूँ आगे। सो एक बढ़िया सा अटेंडेंस डाल के आ रहा हूँ अभी, सो पहले ड्रेस अच्छे निकलते फिर बात को आगे करते हैं अभी। तो चाबी मतलब डुप्लीकेट चाबी हमारे नीचे का पार्किंग का जो मेन गेट है, सो उसमें रिंग लगा हुआ था, मेरे पास एक नंगा सा चाबी था, मैंने हॉस्पिटल से अभी ये लेकर आया हूँ, ये रस्सी एक्चुअली हॉस्पिटल में फाइल वाल बांधने काम आता है, उसमें दो लेकर आया था, दोनों को मिला के इसका एक रिंग बना लिया, अब सही है। मेरे को बोला था कि रिंग लगा ले, लेकिन मैं बोला फालतू पैसा क्यों इसके पीछे वेस्ट करना, कुछ दिन बाद तो मैं रूम छोड़ देंगे, सो किसी को अच्छा सा मिल जाएगा अगर हम रिंग लगाते तो, बट ये भी अच्छा ऑब्वियसली मतलब फ्री में ऑब्वियसली अच्छा होता है वहाँ पे, अब जैसे गुम भी नहीं होगा एक नजर में पड़ा रहेगा हाँ मतलब सामान वान है करके। तो अभी किचन में जा रहा हूँ, चावल चढ़ा दिया था मैंने, ये रहा चावल, इधर एक्चुअली कुछ कुछ खाना, ये सब्जी बाहर से लेकर आ गया था, दूध भी बाहर से एकदम से लेकर आ गया था, मैं बोलूँ जब बाहर में ही हूँ तो बाहर से पूरा काम करके आ जाते हैं, और चिंटू को चीज दिया खाने के लिए, दिखा कर दिया, पता नहीं क्यों मैं इसको ये सब खिलाए जा रहा हूँ, इसको मैं चलाऊंगा इसीलिए कि ज्यादा फैट हो रहा है, ये सब खाने जल्दी ज्यादा फैट बढ़ जाता है बॉडी में। सो कोई नहीं चलता है इतना, कभी कभी चलता है ना, ये मेरे को बोल रहा था अभी आज नहीं, आज मेरे को बोल रहा था ये कि अभी मैं दिल्ली में तो मैं कितना मोमोज खा चुका था अभी तक, इसको यहाँ आने से कितना पैसा सेव हो रहा है, इसको मोमोज और चाउमीन, इसको दिल्ली से यहाँ पाने में बहुत सारा पैसा सेव हो गया एक्चुअली, मतलब मोटा मोटी बताऊँ तो इसका जंक फूड वगैरह सब बंद हो गया, पैसा सेव हो गया, मंदिर की शादी करवाता नहीं है पैसा सेव हो गया, इसको बाल में खुद काटता हूँ पैसा सेव हो गया, ये होगा इसको मोमोज वाला जानता भी था, जा रहा बस चिंटू हम मोमोज दे दिया बिना पैसे के मोमोज दे दिया करता था, अब वो सब बंद हो गया। फटाफट खाना वाना बनाते, भूख थोड़ा तेज लग रखा है क्योंकि मैं आगे नहाया भी नहीं था, मैं देखता हूँ शायद नहाऊंगा, ये तो कल सुबह ही नहा रहा था, पता नहीं बाद में देखते हैं, फिलहाल खाना बनने का वेट कर, देखते हैं इसे अरेंज भी करना पड़ेगा ये सब सब्जी वगैरह, पहले खाना बनने का वेट करते हैं, सब्जी वगैरह अरेंज करते हैं। तो डिनर रेडी है, चिंटू रेडी बैठा है खाने के लिए, दो प्लेट चिंटू और मेरा का, अरे 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 लंडे भूख लग रखा है, और कल का मच्छी भी तो चल रहा है, कल रात का मैं डिनर मच्छी नहीं करा था, हमने बिना डिनर करे सो गए थे, और मच्छी एक्चुअली ज्यादा भी लाया था कर हमने, मतलब 2-2.5 kg का लाया था हमने, तो चले जा रहा है अभी तक, जब तक चलेगा तब तक खाएंगे ऑब्वियसली, पहले डिनर करते हैं, भूख बहुत टाइम से लग रखा है भैंस की आंख। सो खाना वाना खा के फ्री हो गया, अच्छी ब्रश करना बात, और मैं इसका एक हैबिट लगा रखा हूँ ब्रश करने का, हर रात को ब्रश करता सोने से पहले, इसके पहले इतना हैबिट था नहीं मतलब ब्रश से सोने का, लेकिन इसका हैबिट मैंने डाला तो रात को ब्रश के सोता ही है, सवेरे उठ के कार्डियो करता है खाली पेट, मतलब बहुत सारा अच्छा अच्छा हैबिट डाला उसके अंदर, सो ऑब्वियसली अच्छी बात है, हेल्थ के लिए ऑब्वियसली अच्छी बात है, सो भी सो जाऊंगा, सो जरूर कल मॉर्निंग ड्यूटी कर लेता हूँ मैं, सोच अभी तक कुछ डिसाइड नहीं करा मैंने, सो करूंगा तो ऑब्वियसली मैं वीडियो में अपडेट कर दूंगा, अगर नहीं करा तो ऑब्वियसली मैं अपडेट नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो वैसे नाइट है तो मैं नाइट कर ही लूंगा। सो फिलहाल सोने जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।